क्या कहना चाहेंगे आप सफल हुई हैं बीपीएससी में सबसे पहला सवाल ये होगा कि जो बच्चे कर रहे हैं बीपीएससी की तैयारी बी पी एस क्या, क्या मैसेज देंगे उनको मैं ये मैसेज दूंगी कि आप मेहनत करते रहिए और पैटर्न को समझिए और जो भी लक होगा या फिर मेहनत होगी इस ये इसका कॉम्बिनेशन हमेशा प्रिपरेशन में बनी रहेगी पर आप अपने हाथ में जो है वो उसको उसको वो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और मेहनत कीजिए कितना मुश्किल रहा ये सफर एक झाझा जैसे जगह से निकलना जो कि बहुत रुटी रिमोट इलाका है वहाँ से निकल के फिर एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करना क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा स्कोप नहीं यहाँ तो वहाँ से निकल के आना कितना मुश्किल था जी बिल्कुल मुश्किल तो है वैसे यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है मान लीजिए किसी बच्चे को जाना हो तो फिर लाइब्रेरी नहीं है और हर किसी के घर में ऐसा माहौल भी नहीं है कि सब लोग सपोर्ट करें या पीस बना रहे वहाँ पे तो ये ये एक मुश्किल लगी और जो बुक्स है उसकी अवेलेबिलिटी कम है यहाँ पे ऑनलाइन फिर ऑर्डर करना पड़ता है कुछ एक एक हफ़्ते बाद आता है दस दस दिन बाद आता है कोविड के समय पे वो काफ़ी डिले हो रहा था मेरे मैंने जब बुक्स ऑर्डर करे थे तो कभी कभी दस दस दिन बाद भी आया था तो ये सारी कुछ मुश्किलें पर ऑनलाइन जब से हुआ है तो बच्चों को बहुत मदद मिली है ऑनलाइन की वजह से मुझे भी मिली है वही सवाल था कि किताबें नहीं मिलती हैं यहाँ पे किताबों के लिए ऑनलाइन पे निर्भर रहना पड़ता है तो उस माहौल में ना तो शिक्षक है ना किताब इस जगह पे रह के तैयारी करना क्योंकि तो आप दिल्ली जा सकती थी या कहीं और जा सकती थी पर आप घर से रहकर तैयारी करना थी तो क्या सोचती सोच उसके चीज़ Uh, मैंने ये सोचा कि uh, जो घर पे है एक तो कोविड का समय था वहाँ पे फिर वहाँ जा नहीं सकते थे पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन घर पे मुझे ऐसा माहौल मिल रहा था मेरे आसपास के लोग सपोर्टिव थे मेरे माता पिता भाई बहन वो सभी प्रिपेयर कर रहे थे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया अब एक लड़की हैं और सोसाइटी में कहीं ना कहीं माने या ना माने ये चीज़ें होती हैं कि एक थोड़ा सा वो लड़का लड़की का भेदभाव किया जाता है तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं आप खुद एक लड़की हैं और आप अभी सफल हैं सिविल सर्विसेज में उसको कैसे देखते की हैं शिक्षा को लेकर जी बिल्कुल भेदभाव का अभी भी माहौल है पेट्री की जैसे जो सिस्टम है वो अभी भी है यहाँ पे चाहे वो रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हर क्षेत्र में मैं जहाँ तक देख रही हूँ वो लड़कियाँ अव्वल हैं आगे बढ़ के आ रही हैं और लड़कियों को भी अपने गोल को सेट करना चाहिए और अच्छे से मेहनत करना चाहिए मैं यही बोलना कई बार देखा जाता है कि लड़कियों को जो चीज़ें फेस करनी पड़ती है लड़का होने के नाते वो चीज़ उनको नहीं फेस करनी सपोज अगर उसको पढ़ने जाना है तो सब परिवार के लोग साथ जाना पड़ता है इस तरीके आपके साथ हुई ऐसा ऐसा कोई घटनाक्रम है आपके साथ ऐसा कभी हुआ जी बिल्कुल अभी भी पापा मेरे साथ जाते हैं तो ऐसा होता है पर आप उस स्कोप में अपने आप को बेहतर निकाल सकते हैं अगर आपके आपके पेरेंट्स आप समझिए आपके पेरेंट्स ये दोनों कारण हो सकते हैं या तो आपके पेरेंट्स प्रोटेक्टिव है थोड़े या फिर आपके पेरेंट्स कंजर्वेटिव है ये दोनों कारण हो सकते हैं तो आप उसमें रह के भी अगर अपने गोल को अचीव कर लेंगे तो आगे की जर्नी आपके लिए बहुत अच्छी होगी और जो भी धारणाएँ हैं सोसाइटी में या घर में बिल्कुल ख़त्म होगी इस अगर आप अच्छे मुकाम कमिश्नर बनी कैसे काम करेंगे क्या है कुछ सोचा है अभी तक कल रात से पिछले बारह चौबीस चौदह घंटे आपको पता होगा क्या चल रहा है दिन उस चीज़ को लिए जी जैसे जैसे देखिए सर सेल टैक्स में आ, जो इश्यूज़ है या फिर टैक्स कंप्लाइंस से रिलेटेड या फिर टैक्स फ्रॉड से रिलेटेड उसको मैं अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगी जो रूल है रेगुलेशन है उसको मैं अच्छे से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूँगी अवेयरनेस जनरेट करना चाहूँगी कि लोगों को पता रहे कि क्या क्या रूल्स है कैसे कैसे वो टैक्स फाइल कर सकते हैं ज़्यादा ई जैसे कि हमारे पास ई गवर्नेंस का प्लेटफॉर्म आ गया बहुत सारे तो वो उसकी अवेयरनेस कम है क्योंकि जो टेलीडेंसिटी है हमारे बिहार में वो भी कम है तो प्रचार प्रसार अवेयरनेस इन सब चीज़ों से बड़ा रोल होता है किसी के दूसरे में सोसाइटी भी कंजर्वेटिव है ठीक है है फैमिली सपोर्ट करती किस तरीके तरीके से देखती थी थी सोसाइटी मारती कि बेटी को पढ़ा रहा है। इस की चीजें हुई है आ, अब काफ़ी माहौल सही हुआ है यहाँ का तो सोसाइटी अब जो भी बोले क्योंकि बोलने वाले तो दोनों दोनों पक्ष हैं सर कौन भी है सोसाइटी में प्रो भी है तो लेकिन पेरेंट्स ने मेरा हमेशा साथ दिया है तो मैं ये कहूँगी कि मेरे लिए एज अन्वायरमेंट जो पढ़ाई लिखाई का है वो अच्छा रहा है पूरे परिवार को दूंगी माता पिता भाई बहन सभी को दूंगी मैं क्रेडिट टीचर्स को भी दूंगी किस पद पे हुआ है चयन आपका क्या रैंक है वन नाइनटी सिक्स रैंक है स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर में मेरा चयन हुआ है